पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री की जान और एक बहुत बड़ा नाम सिद्धू मूसेवाला को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, जानते हैं आज की वीडियो में। हे गाइस, दिस इज उस्मान रजा एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट सिद्धू मूसेवाला। यार मतलब सिद्धू मूसेवाला को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। मतलब एक बहुत बड़ा नाम और पंजाब इंडस्ट्री के म्यूजिक इंडस्ट्री में मतलब इतनी बड़ी उनकी शख्सियत थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने इतने सुपर हिट गाने दिए हैं मतलब पंजाब इंडस्ट्री को, और उनके जो गाने थे वो कैनेडियन एल्बम्स तक गए। और आज खबर मिली है कि उन सिंगर को मतलब इतने बड़े सिंगर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, जानते हैं आज की इस वीडियो में। सो गाइज, अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को जब गोलियां लगी तो उनको हॉस्पिटल लाया गया और उनके साथ दो और अफराद भी मौजूद थे जो कि शदीद जख्मी थे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला जख्मों की ताब ना ला सके और इस दुनिया से चले गए। मतलब एक म्यूजिक इंडस्ट्री इतने बड़े सिंगर से महरूम हो गई, और जो उनके साथ जो दो अफराद थे वो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है और अभी उनकी हालत खतरे से बाहर है और उनको हायर इंस्टीट्यूट में मजीद ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। रिसेंटली फ्राइडे को ही पंजाब पुलिस ने एक ऑर्डर दिया था कि सिक्योरिटी विदड्रॉ कर दी जाए तकरीबन 424 लोगों की, और उनमें सिद्धू मूसेवाला का नाम भी शामिल था। और अभी देखिए सिक्योरिटी हटाई गई और ये वाकया रोनुमा हो गया। सिद्धू मूसेवाला ना सिर्फ एक लेजेंडरी सिंगर थे बल्कि वो कांग्रेस की तरफ से इलेक्शंस में भी खड़े हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें उनको शिकस्त हो गई थी और वो इलेक्शंस में हार गए थे। अब कांग्रेस की पार्टी ने ट्वीट भी किया है कि वो इस मुश्किल हालात में सिद्धू मूसेवाला की फैमिली के साथ खड़ी है और वो अपनी भरपूर कोशिश करेगी कि सिद्धू मूसेवाला की फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए और जो लोग भी सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में मुलव्वस हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब देखा जाएगा कि सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ मिलता है या नहीं, या उनको भी सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह कुछ टाइम बाद भुला दिया जाएगा और उनके कातिल भी सिद्धार्थ मल्होत्रा के कातिलों की तरह सरेआम घूमते फिरते नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं सिद्धू मूसेवाला के करियर के बारे में। सिद्धू मूसेवाला ने अपना पहला सॉन्ग जो कि ड्यूट किया था जिसका नाम था जी वैगन, उनका वो सॉन्ग बहुत ही वायरल हुआ था और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। उसके बाद उनका 47 गाना जो बहुत ही लोगों ने पसंद किया था, और उसके बाद उनका सफ़र शुरू हुआ और थमा ही नहीं, और उनके गाने मज़ीद मज़ीद रिलीज़ होते गए और लोग उन्हें पसंद करते गए। उसके बाद उनको दी गार्डियन का टाइटल भी मिला जो कि न्यू आर्टिस्ट को मिलता है। अमंग 50 न्यू आर्टिस्ट में उनको द गार्डियन का टाइटल भी दिया गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिया जाएगा और हमारी ताज़ियत उसकी फैमिली के साथ है, और पूरी नेशन पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री सिद्धू मूसेवाला की फैमिली के साथ खड़ी है, और पूरी इंडस्ट्री भरपूर कोशिश करेगी कि सिद्धू मूसेवाला और उसकी फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।